आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। दो युवाओं का हाथ और पैर बंधा खेत में मिला शव। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची जगह थाने की पुलिस ने शव को बाहर निकाल कर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मामला आशनाई से जुड़े होने की दबी जुबान में है चर्चा। एसएसपी ने कहा, घटना के खुलासे के लिए एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में बनाई गई है टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। बारहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने मतदाताओं को बिना प्रलोभन भय एवं निष्पक्ष मतदान के लिए दिलाई शपथ। 10 नए मतदाताओं को वितरित किया गया मतदाता पहचान पत्र। कहा, हर मतदाता की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में होगी सहायक। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारी कर ली गई है पूरी। एसपीसीटी ने कहा, नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एसपी साउथ ने पुलिस ऑफिस पर कार्यालय के सभी पुलिस कर्मियों को दिलाया मतदाता जागरूकता की शपथ। सभी लोगों से मतदान करने की अपील। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 302 केंद्रों पर 29,638 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,865 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 19,759 लोग रहे शामिल। कोरोना से बचने के लिए लगाएं मास्क, करें कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपीसीटी ने डॉग स्क्वाड के साथ सिटी मॉल व नौकायन पर चलाए चेकिंग अभियान। संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग। कहा, आगे भी चलता रहेगा यह चेकिंग अभियान। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी, सीडीओ, एसपी सिटी, एसपी साउथ, एसडीएम सदर, एडीएम सिटी, एडीएम फाइनेंस, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सदर ने जनपद वासियों सहित देशवासियों को दी बधाई व शुभकामना। 3 मार्च को सभी नागरिकों से मतदान करने की अपील। विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद के 11,238 असलाह धारकों का शस्त्र कराया जमा। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, बाकी शस्त्र धारकों के असलाह को जमा करने के लिए सभी थाना अध्यक्ष को किया गया है निर्देशित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला जज व जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बैलून उड़ाकर मतदाताओं को किया जागरूक। जिला जज और जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों को मेडल देकर किया सम्मानित। सभी नागरिकों से मतदान करने की अपील। गोरखपुर में मंगलवार को पाए गए 267 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में घट रही एक्टिव केस की संख्या। अब एक्टिव केस की संख्या हुई 1,958। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र वंदन समिति द्वारा की गई भारत माता की भव्य आरती। कहा, भारत माता को बनाएंगे अखंड, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे भारत को। और बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गोरखनाथ मंदिर के व्यवस्थापक ने कहा, बुढ़वा मंगल का है विशेष महत्व। मास्क, सैनिटाइजर की भी की गई है पर्याप्त व्यवस्था। बाबा गोरखनाथ श्रद्धालुओं की पूर्ण करें मनोकामना।